आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज का टॉपिक है विड्थ ऑफ पेमेंट। पेमेंट को हम लोग कैरेज वे भी कहते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये पेमेंट है, ठीक है। पेमेंट वो हिस्सा होता है रोड का जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, और जो बाकी साइड में जो हिस्सा होता है जो कि कच्चा बनाया जाता है, आप सड़कों पर देखते होंगे ये कभी कभी मिट्टी का रहता है, और जहाँ आबादी ज़्यादा रहती है वहाँ पे इसको इस पर फुटपाथ बना देते हैं। तो ये हिस्सा कहलाता है शोल्डर। शोल्डर को बर्म भी कहते हैं। तो सड़क की चौड़ाई किन चीज़ों पे निर्भर करती है वो देखते हैं। सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ये है कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ उस सड़क पे चल रही हैं। तो ये हो गया वॉल्यूम। तो जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ उस सड़क पे चल रही होंगी, सड़क उतनी चौड़ी करनी पड़ेगी। दूसरा है टाइप ऑफ ट्रैफिक। टाइप ऑफ ट्रैफिक में ये है कि कितने टाइप की गाड़ियाँ उस सड़क पे चल रही हैं। जैसे कि आपका हो गया बिना मोटर वाली, मोटर वाली। जैसे मान लो एक बैलगाड़ी चल रही है रोड पे और सड़क पतली है, तो ट्रैफिक धीमे हो जाएगी कि नहीं। तो टाइप ऑफ ट्रैफिक जहाँ पे अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ चल रही होंगी वहाँ पे हम लोग को सड़क की चौड़ाई ज़्यादा देनी पड़ेगी, और हर गाड़ी के लिए अलग अलग लेन बना दिया जाएगा। बिना मोटर की गाड़ियों के लिए अलग लेन और मोटर वाली गाड़ियों के लिए अलग लेन, कि वो तेज़ रफ्तार में चल सके। और तीसरा टॉपिक है विड्थ ऑफ व्हीकल। तो विड्थ ऑफ व्हीकल में यह है कि गाड़ियाँ कितनी चौड़ी हैं वो देखते हैं, विड्थ उस हिसाब से सड़क की चौड़ाई रखते हैं। और चौथा टॉपिक है सरफेस ऑफ पेमेंट। सरफेस ऑफ पेमेंट में क्या है कि जो सड़क रहेगी उसकी सरफेस अगर ख़राब है, रफ है, तो गाड़ियों की स्पीड धीमी हो जाएगी। तो अब धीमी रफ्तार की गाड़ियां हैं तो उस पर आसानी से चल सकेंगी। अगर वही सड़क एकदम स्मूथ है, क्लियर है, तो उस पर तेज़ रफ्तार गाड़ियां चलेंगी, तो विड्थ ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो एक सिंगल लेन के लिए, जैसे आप ये देख रहे हो, ये है आपका सिंगल लेन, और सिंगल लेन की चौड़ाई कितनी देते हैं हम लोग, 3.80 मीटर। IRC द्वारा रिकमेंडेड है सिंगल लेन की चौड़ाई 3.8 मीटर, और टू लेन की चौड़ाई है 7.0 मीटर। ये है आपका सिंगल लेन, ये है आपका डबल लेन। डबल लेन या टू लेन। तो यह था आज का टॉपिक विड्थ ऑफ पेमेंट। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू।